हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल लुनारे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके साथ इसकी मीनिंग जानी, और इसको मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया। और फिर मैंने आपको एक टाइप्स डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या क्या होता है, राइट। इतना हम लोग ने पिछले लेक्चर्स पे डिस्कस किया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा था, तो डियर जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पहले से ही आपको, बहुत इजी है, ठीक। इसके लिए ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत इजी सा टॉपिक है। ओके, तो डियर ध्यान से सुनना मेरी हर बातों को जो मैं आपको कहूंगा। तो जी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं फीचर्स के बारे में कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक। तो वॉलंटरी एसोसिएशन मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए मैं आप एक चीज मैं आप सभी को प्लीज कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो भी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ तो सबसे पहली क्लास में मैं उसके बारे में बताता हूँ कि वो है क्या, वो काम कैसे करती है, और उसका मीनिंग क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, उसके एग्जांपल क्या है। तो मैंने इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी एग्जांपल के साथ, ठीक है। जहां पर मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था, जैसे मैंने यहाँ पर मीनिंग भी लिखी है, तो मैंने यहाँ पर वॉलेंटरी एसोसिएशन करके डिस्कस भी किया है ना। तो डियर प्लीज आप जाके वहां से देख लीजिए, क्योंकि मिस मत कीजिए, आपके लिए ही लॉस होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आपके लिए लॉस होगा, है ना। तो जी, सबसे पहला फीचर है वॉलेंटरी एसोसिएशन, ठीक है। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन क्या होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, हर बंदा, जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करते हैं, मतलब जैसे मैं आपको कैसे बताऊं कि जिनका मेन काम, मतलब वो सभी काम विदाउट पेमेंट के करते हैं, है ना। मतलब हर काम वो फ्री टाइम में करते हैं, मतलब अपने इच्छा से करते हैं, ठीक है। जहां पर वो पैसा वैसा नहीं देते, ना उनको प्रॉफिट मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर वो वॉलंटरी एसोसिएशन काम करती है, मतलब वो अपने इच्छा से काम करती है, ना कि पैसे के लिए, ठीक। अब जी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आपको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलती है। आपने डेफिनेटली सही कहा, आप सभी सोच रहे होंगे यार इक्वल वोटिंग राइट्स यहाँ पर बिजनेस में आ गया। यस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर इक्वल वोटिंग राइट्स आपको मिलती है। तो डियर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इक्वल वोटिंग राइट्स में जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी मेंबर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज मतलब डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीजिए कि जैसे जैसे दो एग्जाम्पल लीजिए, दो ऑप्शन, ठीक। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमेशा इश्यू आता रहता है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मेंबर्स एक साथ काम करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कीजिए, अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा हुआ कि हमें, मतलब बिजली बिल के लिए हमें क्या करना चाहिए, पैसा को इकट्ठा करना चाहिए, और सेकेंड ऑप्शन में ये रहा कि हमें घर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए उसके लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होंगे, दो ऑप्शन है। तो जी, जितने भी मेंबर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इन दो ऑप्शन के लिए क्या करते हैं, वोट करते हैं, वन पर्सन वन वोट, ठीक है। जहां पर हर पर्सन एक वोट डालता है, जहां पर वो डिस्कस करता है कि कौन सा मतलब कौन सा जो ऑपरेशन है उसको हम लोग को लॉन्च करना चाहिए, ठीक। आइदर हमें क्या करना चाहिए कि बिजली बिल के लिए पैसा कलेक्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हमें पैसा कलेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा करना चाहिए। तो वोटिंग होगी, जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी वो वाला पॉलिसी इन्हों फॉलो करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा काम चलता है। अब जी, सर्विस मोटिव। अब जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, सर्विस मोटिव मतलब जिनका मेन काम क्या है, हेल्प करना एक दूसरे की, प्रॉफिट इनका मेन सर्विस मोटिव नहीं है, इनका मेन सर्विस मोटिव क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक। अब जी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल कीजिए कि मैंने अपना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, ठीक। तो जी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट किया और आगे जाके मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी डेथ हो गई, तो इस केस में जो मेरा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी बंद नहीं होगा, भले ही मैं मर गया हूं या कुछ भी हो गया है, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया है, लेकिन मेरा जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा,
ठीक है। तो जी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब वो होता है। अब जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब जी जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक, फॉर एग्जांपल कीजिए टोटल हम 10 लोगों ने मिलकर, 1 2 3 4 5 जितने भी हमें फिंगर्स को 10 मेंबर्स मानिए, तो जी फॉर एग्जांपल कीजिए हम लोग ने एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, ठीक। तो जी अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस का मतलब, ठीक है, जितनी भी डीलिंग्स होती है वो किसके बेस, मतलब जितनी भी पॉलिसीज निकलती है वो क्या होती है, डीलिंग के बेस पे होती है। मतलब अब जी फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है इसने हम 10 में से सबसे ज्यादा पैसा लगाया, ठीक है, तो जी ये क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ आप सभी सही सुन रहे हैं, आप सभी सोचे होंगे यार पैसा ये ज्यादा लगा रहा है, इसको आखिरी में जब रिटर्न की बात आएगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, लेकिन तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि इसने कैपिटल ज्यादा लगाया है। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये क्या एक तरीके का डिसएडवांटेज भी है जो कि नो मोटिवेशन में मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो जी यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल के हिसाब से आपको आखिरी में प्रॉफिट नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है, इसके डीलिंग के हिसाब से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा काम करेगा, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आखिरी में, ठीक है। तो जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स में इतना ही है। अब जी इसके एडवांटेज की बात करते हैं। अब जी इजी टू फॉर्म, ठीक, ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो जी लाइसेंस की इसको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो जी इसको लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करना। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इनको इजीली लाइसेंस दे देता है, इसलिए मैंने लिखा है इजी टू फॉर्म। अब जी लिमिटेड लाइबिलिटी, आप सभी को पता है लाइबिलिटी हमेशा दो तरीके की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड, जिसके बारे में मैंने आपको पहली लेक्चर्स में बता दिया, और अगर मैं इसको हर लेक्चर्स में बताऊंगा तो डेफिनेटली जो वीडियोस की लेंथ है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी, ठीक। तो इससे मैंने फर्स्ट पार्ट में, जो इस चैप्टर की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिस्कस किया है, जहां पर आप आखिरी के 10 मिनट देखना जहां पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक, प्लीज वहां पर जाके देख लेना, जहां पर आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के बारे में मैंने 10 मिनट में डिस्कस किया है, जहां पर आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। अब जी कंटिन्यूटी, अब जी ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं मर गया है, कुछ भी हो गया लेकिन मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, तो जी ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पूरे लाइफ लॉन्ग तक कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक। अब जी डेमोक्रेटिक सेटअप, आपको अभी बताया कि ये क्या करता है, इक्वल वोटिंग राइट्स फॉलो करता है, 1 person 1 vote का फॉलो करता है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब यही है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये दो पॉइंट जो है सेम है ना। अब जी स्टेट पैटर्नॉइज, अब जी ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, हेल्प करती है। अब जी वो हेल्प बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करती है, जैसे जैसे आपको पता है अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट जाके खरीदेंगे मार्केट में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग को टैक्स ज्यादा लगेगा, कोई भी पर्सन जाए, लेकिन जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को कम करके सामान देती है, ठीक है। ये सबसे पहला एडवांटेज। अब जी सेकेंड एडवांटेज आपको ये मिलता है कि जी जैसे फॉर एग्जाम्पल कीजिए आपको रॉ मटेरियल्स खरीदना है, तो उसमें भी क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत कम टैक्स में, बहुत कम रेट्स में आपको क्या करती है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ अब जी ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी समय लोन की जरूरत पड़ी, ठीक है, लोन की, ठीक है, लोन मतलब आप हिंदी में कैसे कह सकते हैं, ब्याज, मुझे पता नहीं है लोन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जी लोन के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, इनको बहुत कम इंटरेस्ट में, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट में इनको लोन चार्ज करती है ना। तो जी इनको बहुत इजीली लोन दे देती है, ज्यादा अमाउंट में करती है, मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है। तो स्टेट पैटर्नॉइज का मतलब वही होता है। अब जी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, एडवांटेज में आपको आपकी बुक्स में बहुत सारे और पॉइंट्स दिखेंगे, 2-3 मेन पॉइंट्स यही है, ठीक है, यही पॉइंट्स आपके केस स्टडीज में आएंगे, आपके एग्जाम्स में ही पूछे जाएंगे, लेकिन बाकी जो भी पॉइंट्स है उसको मैंने लिया नहीं है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना, इसलिए यही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। अब जी डिसएडवांटेज, अब जी लिमिटेड कैपिटल, अब जी मैंने आपको जैसा बताया था कि 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर्स में अगर
इस बंदे ने सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, और बाकी सबसे सबसे ज्यादा कैपिटल क्या किया, अपने बिजनेस में लगाया है, निवेश किया है पैसा। अब जी बाकी सब मेंबर्स ने इस बंदे से कम पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आखिरी में जाके जो प्रॉफिट बचता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इस बंदे को नहीं मिलेगा। आप सभी जैसे सोच रहे होंगे कि आप कैपिटल इसने सबसे ज्यादा लगाया है, सबसे ज्यादा पैसा इसने निवेश किया, तो प्रॉफिट भी आखिरी में इसको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मेंबर्स हेल्प करता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। उसके डीलिंग के हिसाब से उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, अब जी ये भी मेंबर सोचेगा, हट यार, अब मैं इतना पैसा भी लगा रहा हूँ तो जी मुझे तो प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है, आखिरी में जाके मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता। तो यही सोच से ना क्या होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सब बहुत कम कम पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है लिमिटेड कैपिटल। अब जी इनएफिशियंट मैनेजमेंट, अब जी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनीज में जाओगे, पार्टनरशिप में भी जाओगे, तो वहां पर क्या होता है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट रहता है, बहुत टेक्निकल स्टाफ रहता है, बहुत अच्छे स्टाफ रहता है जो फटाफट अपना काम करता है, ओवरऑल बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाइए, ठीक है, जो जो भी कंपनीज होगी वहां जाइए, वहां पर बहुत अच्छे से सीए बैठे होंगे, सीएस बैठे होंगे, अच्छा मैनेजमेंट अच्छा मैनेजर बैठा होगा, ठीक है, अच्छा टेक्निकल स्टाफ बैठा होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपको कंपनीज या पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं ये क्या है, आपस में एक काम करते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, कोई भी सीए या कोई भी मैनेजर को अपॉइंट नहीं करते, ये एक दूसरे की काम मतलब अपना ही इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, अपना ही इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी सीए नहीं है, मैनेजर नहीं है, कोई भी अच्छा मैनेजर नहीं है, सीएस नहीं है, कोई भी अच्छा मतलब परचेस मैनेजर नहीं है जो अच्छे से देखभाल कर पाए, ठीक है। तो जी यहाँ पर क्या होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें नहीं मिलती है, तो जी यहाँ पर इनएफिशियंट मैनेजमेंट रहता है। अब जी थर्ड है नो मोटिवेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई हर बंदे को पता है कि यार वो कैपिटल भी ज्यादा लगाएंगे तो आखिरी के समय उनको प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हमेशा एक दूसरे की हेल्प के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेंबर सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, जो सबसे ज्यादा डीलिंग करेगा, उसके हिसाब से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जी यहाँ पर अगर जो भी मेंबर सबसे ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो जी उसको आखिरी में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, प्रॉफिट। तो जी इसके कारण यहाँ पर क्या रहता है, नो मोटिवेशन रहती है। अब जी कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, अब जी हर मेंबर, फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ, कोई दूसरा जो मेंबर है वो मुस्लिम है, कोई तीसरा मेंबर है क्रिश्चियन है। अब जी हिंदूस में भी बहुत सारे आते हैं, बंगाली आते हैं, ठीक है, मराठी आते हैं, पंजाबी आते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी आते हैं, ठीक है। तो जी अब हर बंदा जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में रहता है वो हर डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिलीजन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जी हर बंदे का अलग अलग सोचने का तरीका होता है। तो जी इसके कारण क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी क्या होता है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, ठीक है, फ्रिक्शंस अराइज हो जाती है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है। तो जी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स का मतलब वही है। अब जी अब हमारे पास है अगला, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब जी मैंने आपको बताया था, अब जी गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे ज्यादा कंट्रोल भी गवर्नमेंट का रहता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये क्या करती है, आपको लोन प्रोवाइड करती है, हर चीज आपको सस्ते में प्रोवाइड करती है, लोन भी आपको क्या करती है, बहुत कम इंटरेस्ट में चार्ज करती है। तो जी गवर्नमेंट फोकट का तो नहीं करेगा, तो जी गवर्नमेंट क्या करता है, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशियंसी आ जाती है, ठीक, जिसके कारण कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो जी इसी के साथ फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जो टॉपिक होता है वो आज खत्म होता है। इसी के साथ डियर मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक। चलिए डियर, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।